समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10-7-4-1 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। -100, -200, -300, -400। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सवाल बहुत ही कम समय में आइए हल करते हैं। चुटकियों में प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले तो एक सीक्वेंस देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस जानने का मतलब कि एक समान श्रेणी में सीरीज हो। जैसे आप देखते हैं ये 10-7-4-1, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर देखते हैं तो 1 में +3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा है। इस तरह 10 में -3 करेंगे तो 7, 7 में -3, 4 में तो -। यानी एक समान सीक्वेंस चल रहा है, क्रम चल रहा है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जब तक ये समान सीक्वेंस नहीं हो तब तक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में नहीं हो। जैसा कि नाम से ही है समांतर श्रेणी, यानी जब समांतर श्रेणी हो तो समान अंतर हो सभी में, तब इस प्रकार के प्रश्नों को इस फॉर्मूला से हल करते हैं। SN=(n/2) 2a+(n-1)(d)। यही फॉर्मूला है, जहाँ n/2 नंबर ऑफ पदों, कितना पदों को निकालना है, तो 16 पदों को तो n=16 हो जाएगा। इसी तरह 2a, a मतलब जो फर्स्ट सीरीज है वह a हो गया, तो a बराबर हो गया 10। n-1 यानी 16 - 1, और d इन लोगों का डिफरेंस है, तो d बराबर 10 में से -7 घटा दीजिए 3। तो ये फॉर्मूला पर आप पुट करेंगे n/2 2a+n-1d, यानी n/2 16/2 2a 2 a का मान 10 है 10 प्लस n-1 यानी 16 - 1 × d, d का मान 3 आया है। ये आपका सॉल्व करना है। 16/2 यानी कट जाएगा, ये 8 होगा। उसके बाद 10 × 2 = 20 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। फिर 8 15 3 45 यानी 20 प्लस 8 × 20 + 45, 8 × 2 = 16 यानी 160। और ये डिफरेंस जो है आपका ये यहाँ पे 7 - 10 होगा, तो -3 आएगा, -3 -45 और -45। तो 20 में से 45 गया यानी -25। और 8
गुणे -25 यानी -200। तो आपने देखा किस तरह प्रश्नों को हल किया गया, बहुत ही कम समय में। ये डिफरेंस देखिए, ये जो है ये प्रथम पद है 10, और यन 16 पदों का योग लगा, तो यन नंबर ऑफ 16 हो गया। और डी जो निकाला जाता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटा जाता है, तो दूसरा पद 7 है, तो 7 - 10 = -3। और इसी फॉर्मूला को पुट किया गया है, SN = n/2 + 2a + n-1 × d। तो 16/2 यानी 8, 10 × 20 + 16 में से 11 - 3 = 20। और -45 यानी -25, 8 गुणे 25 यानी -200।